बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप क्लास सेवेंथ में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपको ध्यान नहीं है या नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट चारों बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं या जिनका यूज होता है, तब हम उनको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आप देखिए कि टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनो, अब अगर आपको याद नहीं रहता है कि मोनोमियल क्या है, या कोई छोटी स्टूडेंट छोटी क्लास का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है केवल इंट्रोडक्शन तक, तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि मोनोमियल, मोनो इट मीन्स वन। जैसे अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो अर्थ पे कितना कितने सन है, एक, अर्थ पे कितना मून है, केवल एक, तो एक जो है उससे ध्यान रखिए मोनो, मोनोमियल। तो मोनोमियल इट मीन्स जिसकी केवल वन टर्म होती है। हम टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे बट पहले अभी टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर ले। बाइनोमियल, बाइनोमियल आपकी दो आंखें, तो आप उससे ध्यान रखिए कि दो आंखें मतलब टू टर्म्स है, तो दैट इज योर बाइनोमियल। बाय इट मीन्स टू। ओके, नाउ ट्राइनोमियल, आपके पास ट्राइसाइकल्स होती है छोटे बच्चों के पास, ट्राइसाइकल्स इट मीन्स उसके कितने व्हील्स होते हैं, उसके तीन व्हील्स होते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स में ट्राइनोमियल इट मीन्स जिसकी तीन टर्म्स होती हैं। अब आपके पास इसके बाद भी बहुत सारे टर्म्स के नेम होंगे बट हम लोग बाद में डायरेक्टली जो क्लास टेंथ में है दैट इज पॉलीनोमियल। पॉली इट मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, पॉली इट मीन्स बहुत सारा इट मीन्स हैज मोर देन वन टर्म। तो अब आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पर भी तो लिखा है कि मोर देन वन टर्म, तो फिर मोर देन वन टर्म तो बाइनोमियल है, मोर देन वन टर्म तो ट्राइनोमियल है, तो फिर क्या। तो मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको कि जिसकी भी मोर देन वन टर्म होती है वो पॉलीनोमियल कहलाती है।